के गांव वासियों का ये देखने मिला हूँ क्योंकि जो बारिश से हुआ है और पानी रोड पर भरा हुआ है। सरकार की यहाँ की जो आप देख सकते हैं, आम आदमी पार्टी है, राष्ट्रीय राजधानी से दिल्ली कहलाने वाला रोड का बदहाली यहाँ आप देख सकते हैं किस तरह से ये चल रहा है। आप इसके लिए नज़रअंदाज नहीं कर सकते, गाँव भी इस तरह से नहीं मिलेगा जिस तरह से आज जो है आप देख रहे हैं मुंडिका का हालात, क्योंकि मुंडिका में जिस तरह से पानी भरा हुआ है इसके लिए बहुत ही दुखदायी है और सरकार को आँख खोल कर देखना चाहिए। जो सोए हुए हैं कानों में तेल डालकर सो रहा कुमार विनोद जी, आप बताइए जिस तरह से रोड आपका ये देख रहा हूँ मुंडिका का बहुत खराब है, इसके लिए आप क्या बहुत बुरी आदत है, घोड़ा घोड़ा पानी भर जाता है, हर गली में पानी भर जाता है, हम बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, हमारे बच्चे स्कूल नहीं जान पाते, पानी भर जाती है, घोड़े घोड़े पानी भर जाता है, रोड पर जाम लग जाता है, सारा रोड फटा हुआ है, हमारा तय कुछ नहीं कर रहा है यहाँ पर, ये घर पे खाली बैठा आदमी है, उसको कुछ नहीं दिखाई देता, यहाँ से जाता है फिर भी कटे नहीं दिखाई देते, मलबा गिर जाता है, मिट्टी का मलबा वे रोड ही फिर बाहर निकल आती है, इसलिए रोड का काम नहीं कर रहे हैं, नाले बिल्कुल भरे पड़े हैं, नालों की कोई सफाई नहीं हो रही है, गंदगी पड़ी है, कोई कूड़ा उठाने नहीं आता, कोई झाड़ू मारने आता नहीं, बहुत बुरा हाल है दूर से दूर तक। और क्या बताना, बस धन्यवाद। जी जी, आप ये बताइए जिस तरह से पानी भरा हुआ है आप आने जाने में परेशानी होती होगी? हाँ परेशानी तो बहुत, और बच्चे जो है सुबह सुबह स्कूल जाते हैं स्कूल भी नहीं जा पाता, प्लस पानी बहुत लगा सुबह ही से एकदम पानी, सुबह एकदम जब से बारिश हुआ तब से ही पानी है। जी जी, ये बारिश ये जो आप पानी देख रहे हैं इसका क्या कारण, किसे जिम्मेदार ठहराते हैं? कॉरपोरेशन को जिम्मेदार ठहराएंगे, और इधर का जो भी जीता होगा एमएलए सांसद या वार्ड में जो जीता होगा जी। और क्या समस्या है सर, जो बहुत सारे रोड भी देख रहा हूँ पानी भरा हुआ है यहाँ पे भरा हुआ है? हाँ पानी भरा हुआ इसलिए कि बारिश होगा तो पानी आ गया, बना नहीं है पूरा फोड़ा हुआ है, पाइप लगाने के लिए पाइप का प्रॉब्लम था, पाइप लगाने के लिए भरा हुआ है, पानी वाला पाइप लगा रहा नहीं है, बाहर रास्ता ही नहीं है, बहुत पूरा पिंटू जी, आप बताइए जिस तरह पानी भरा हुआ है इसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? पानी ये तो ये रोज का है यहाँ पे, अगर मुंडिका का ये हाल हो चुका है ना, अगर रेगुलर 2 घंटे बारिश आ जाए तो मुंडिका नाला बन जाएगा पूरा। अच्छा अच्छा, इसलिए यहाँ तो कुछ हो नहीं रहा, काफ़ी कम से कम 6 महीने से ज़्यादा से रोड टूटे पड़े हैं, टूटता तो बहुत जल्दी है पर बनता है नहीं जी 6 महीने तक। इसके लिए आप क्या सरकार को क्या कहना चाहते हैं, इसके लिए क्या ध्यान रखते हैं? मैं सरकार को ये कहना चाहूँगा जितना अदर मैटर तो ध्यान दे रहे हैं उतना अगर इस सब चीज़ों पर भी ध्यान दें शायद ज़्यादा बेटर रहेगा जी। आज मुंडिका के लोग काफ़ी परेशान है जो कि बारिश, आप एक भी गली में चले जाओ, एक भी गली में जहाँ पर आपको घुटने से कम पानी मिले, घुटने से ज़्यादा इस कारण गाड़ियाँ से कितनी जगह बंद हो रही है, गाड़ियाँ बंद होने के कारण लोगों को ट्रैफिक का भी सामना करना पड़ रहा है, सारी जगह गड्ढे ही गड्ढे हैं, आप भी देख लो कितना ज़्यादा गड्ढा है यहाँ पे, बैंक में जाने में भी लोगों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, आगे पीछे रोड है, रोड से भी आप देख लो इस टाइम कितनी प्रॉब्लम है। कैसा लग रहा है आपको? बेकार लग रहा है। आप इसे क्या कहना चाहते हैं? बेकार ही कहना चाहेंगे और क्या, किसे जिम्मेदार मानते हैं? अब इधर का जो भाई और किसको जिम्मेदार मानते हैं? दिल्ली ऐसे होना चाहिए क्या, गांव भी ऐसा ही है क्या? अरे गांव तो इससे भी बढ़िया है, इससे अच्छा है और क्या? जी कहाँ के रहने वाले? मैं प्रतापगढ़।
क्या नाम है सर? क्या नाम है आपका? राजेश। राजेश जी, आप बताइए कि यहाँ पे जो बारिश हुआ है, पानी भरा हुआ है, सरकार को जागने की ज़रूरत है जी, इसके लिए आप क्या करें? इधर आइए। ये तो सारा रहता है, थोड़ा सा पानी भर गया जब ये भर जाता है जी। और क्या बताना चाहते हैं सर? तो सारी गंदगी एक सर, इतनी थोड़ा सा पानी बरसने से सारा नाला जाम हो जाता है जी। जी, जिस तरह से यहाँ जो है बारिश हुआ है और पानी भरा हुआ है, और सबसे ज़्यादा मैं देख रहा हूँ दिल्ली में ही हालात ऐसा है, मुंडिका का जी 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 जी, तो मुंडिका जो हालात आप देख रहे हैं बहुत ही घटिया है, और यहाँ पे आने जाने वालों के लिए बहुत ही परेशानी होती है, ख़ास तौर से स्कूली बच्चों को जो कि स्कूल नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि बारिश है और पानी भरा हुआ है और छोटे छोटे बच्चे होते हैं। इसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? रोड को बनना चाहिए सर, जानते महाराज एक मिनट। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें और आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।